तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है राघव के ब्लॉग पर। और आज से कुछ 10-12 दिन बाद मेरी सिस्टर की एनिवर्सरी है, तो मैंने सोचा है कुछ गिफ्ट देते हैं उसको अच्छा सा। जैसा कि आप बैग देख के थोड़ा देख सकते हैं, इसमें थोड़ा रुपया भरा हुआ है। और पापा आ रहे हैं, वेट कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा था। तो मैं सोचा है उसे एक सरप्राइजली एक बाइक देते हैं गिफ्ट में। और बने रहिएगा वीडियो में, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। इस वीडियो में आपका आज से 10 दिन बाद भी जो कुछ भी होगा सब कुछ देखने को मिलेगा इसका गिफ्ट देने का। और फिर मिलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं एजेंसी पे चल के। ओके, कौन सी बाइक है, कैसा कलर है, क्या है। ओके, एक ही खड़ी बाइक किसी की दिखी हुई, चलते अंदर देखते हैं। नया गाड़ी ये पसंद है, ये चलिए। तो दोस्तों चलते हैं बिलिंग वगैरह करने के लिए, गाड़ी जो है पसंद आ चुकी है। तो पिताश्री और भैया लोग वगैरह बातचीत कर रहे हैं, कैश लेस दे रहे हैं, तो देखिए। वैसे गाड़ी जो है मुझे रियल में ये वाली पसंद आई, ये देख रहे हैं आप। और ये दमदार आइटम, मैं बड़ा हो जाऊंगा तब ये लूंगा। तो दोस्तों अब चल रहे हैं गोडाउन पे गाड़ी उठाने के लिए। बस फाइनल हो चुका सब कुछ, रुपये रुपये दिल गए, लुट गए, लुट गए। दोस्तों इसमें कुछ मिला है गिफ्ट, ऐसे करते अनबॉक्सिंग। ये देखिए टैगलाइन कितनी बढ़िया, बी सेंसिबल बी सेफ, संवेदनशील रहिए और सुरक्षित रहिए। और ये निकला है हेलमेट, बहुत बढ़िया, सुरक्षा की दृष्टि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और ये एक रीति रिवाज होता है कि जो भी गाड़ी वगैरह खरीदता है या किसी को दी जाती है तो वो मतलब घर पर उठा के नहीं ले जाते, किसी दूसरे इंसान से साथ के मित्र आया हो उनके साथ वो ले जाते हैं घर पर। तो भैया ये ले जा रहे हैं, विजय भैया घर पे गाड़ी, तो वे चलते हैं और उसके बाद चलेंगे मंदिर। बने रहिए आगे देखें। और आगे भैया गाड़ी की पहली खुराक के लिए, और एक गाड़ी की पहली खुराक पड़ती हुई यहाँ फिलिंग स्टेशन पे। पापा देखो तो क्या गंदे। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग शीतला माता के मंदिर, तो आइए दोस्तों दर्शन कराते हैं हम आपको शीतला माता के। और उसकी देखिएगा, मैं झूम कर रहा हूँ थोड़ी सी, देखिए शीतला माता हो रही सामने। Oh, oh, oh.
घर पे पहुंच चुकी है। अब जाएंगे उसकी एनिवर्सरी में, लगभग 5 तारीख को है उसकी एनिवर्सरी इटावा, है ना। तब तक के लिए गाड़ी यहीं रहेगी, फिर मैं लेके जाऊंगा साथ में। और इसी के बीच क्या हुआ, मेरे पार्सल आ गया, जूते मंगाए थे मैंने ऑनलाइन, आज ही उसे वो भी आ गए हैं, वो मैंने रिसीव कर लिया। देखते हैं, फिलहाल अच्छे तो लग रहे थे, महंगे भी आए हैं काफ़ी ज़्यादा। और चलते हैं अब घर पे, थोड़ा सा खाना पीना खाते हैं। सुबह से ऐसे ही भाग रहा हूँ मैं, पढ़ाने के लिए निकला था तब से भूखा ही। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस कंटिन्यू रखिए, अभी और भी जारी है। तो दोस्तों, आज आ चुका है वो दिन जिस दिन मेरी सिस्टर की एनिवर्सरी है। लगभग 25 को गाड़ी उठाई थी, ये आप देख सकते हैं। और अब जाते हैं उसके घर पे उसे गाड़ी देने के लिए गिफ्ट में, और निकल रहे हैं। बस सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट, हेलमेट ले लिया, मास्क ले लिया, सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, लाइसेंस वगैरह सब कुछ है। और निकलते हैं, चलते हैं उसकी गाड़ी, उसको डिलीवर करते हैं, चलना है मुझे इटावा। उसके बाद मिलते हैं जब शाम को, और रास्ते में थोड़े एक दो व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, बाकी शाम को मिलते हैं, पूरा पूरा एंजॉय होगा। बोल बजरंगबली बाबा की जय। ये वो कॉलेज है जिसमें मैंने अपने इंटर की परीक्षा दी है, इसी में आया था मेरा सेंटर। इसका नाम है मारुति नंदन इंटर कॉलेज, कुछ तो इसमें मैंने दी थी अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा। ये देखिए मारुति नंदन। तो दोस्तों, इस रास्ते की सबसे खूबसूरत जगह मुझे ये लगती है कि ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, मतलब पूरा किनारे किनारे तक लगभग लगभग होगा 10 से 12 किलोमीटर का, और बिल्कुल ये बम्बा है कोई, बम्बे के किनारे। और जब जब मैं यहाँ आता हूँ, इस रास्ते से गुजरता हूँ, एक यहाँ पे पड़ता है कुआं, जो ये शिवम बैठा हुआ है कुआं पड़ता है, तो इसमें वो भी है, मतलब एक रस्सी टाइप की डली हुई है, तो पानी भी इसमें निकलता है। तो जब भी आते थोड़ा सा पानी वगैरह पीते हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए आप रस्सी शायद दिखाई दे रही होगी, वो देखिए, तो उससे खींच के ये पूरे नीचे तक है, है ना। और मोबाइल में उधर नहीं करूँ ना, पता चले गिर जाए। तो यहाँ रुक के हम थोड़े से पानी वगैरह पीते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। और ये खड़ी है बाइक, हेलमेट वगैरह रखा है, सेवम बैठा है, तो ये है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ एक ऐसा एक एरिया है, यहाँ आके आप फोटो शूट करा सकते हैं। चलते हैं अब यहाँ से थोड़ी देर, ओके, यहाँ पे पानी वगैरह पिया एक दो मिनट, और चलते हैं अब, फिर मिलते हैं आपसे आगे रास्ते में। टेक केयर, बाय बाय, लाओ दीजिए हेलमेट, चलते हैं मास्क पहन। शिखा का रूम, ये है शिखा का बेड, ये है रूम शिखा का। ये देखिए, देखो शिवम सजने लगे, देखे शिवम भैया कैसे देखो। तो ये है शिखा का बेडरूम, देखिए फ्रिज, और ये पता नहीं क्या क्या रख रखे हैं। मैं सोच रहा हूँ ये जो 3-4 गुलदस्ते हैं, ये चुरा के ले जाऊँ घर पे। ये देखिए टीवी, ये क्या कर रहा है। और दोस्तों, ये मूर्ति रखी थी मैंने, जो कि एक बार क्या था, ये बेचारी टूट गई थी गिर के, फिर मैंने यहाँ रख दी, और तब से यहाँ रखी है फ्रिज के ऊपर। और ये शीशे में तो आप जान देखा ही होगा कहीं। तो दोस्तों, मेरा संजू भाई आ रहा है, और वो भी सुकोबाद था, तो वहाँ से वो आ रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले उसकी कॉल आई थी, यही इटावा आने वाला है, इटावा से यहाँ पड़ता है 10 किलोमीटर बसरे हर, और वहाँ आने वाला है। वेट करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको, आ रहा होगा। अब
अब आएगा असली मजा, जब ये आता है तभी मजा आता है, कहीं और तब से मतलब रुके हुए बैठे हुए संत भाई आता, अब आएगा मजा असली। दोस्तों आगे दिखाते हैं कुछ डांस वगैरह जो कुछ भी आना होगा पूरा दिखाएंगे। और ये है उसकी छत का व्यू, और यहाँ आप ये देख सकते हैं ये जो रखा है छोटा सा चूल्हा, ये अभी जस्ट बनाया आर्टिफिशियल चूल्हा, तो इस पर ये भी पूड़ियाँ उड़ियाँ कुछ बनेंगी, देखते हैं। और ये है एकदम बढ़िया सा व्यू, सामने दिखाई देता है एकदम चारों तरफ उसकी डबल मंजिल से यही दिखाई देता है सामने, तो वहीं पर हूँ मैं दूसरी मंजिल पर, तो बढ़िया है। और दोस्तों मिलते हैं फिर, अभी खाना बनेगा, खाना बनने वाली दावत होगी, उसके बाद केक कटेंगे और कुछ बने रहिए साथ। ओके तो दोस्तों आप क्या है पूड़ियाँ बननी स्टार्ट हो चुकी हैं, और हमारा संजू भाई आ चुका, तब से जो है मज़ा खूब आ रहा है, जब तक ये नहीं होता कहीं भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यह देख सकते हैं घटना संजू भाई, ये देखिए पूड़ियाँ उड़ियाँ बननी स्टार्ट हो चुकी हैं, आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, आ जाइए। ओके तो हम वेट कर रहे हैं, आ जाइए और तब साथ खाते। और मेरा संजू भाई आराम से लेटा हुआ है, सैड स्टेटस देखता हुआ, हर जी देव अल्लाह डा चुकी है। ये है शाम का व्यू, ये मुझे सबसे अच्छी लगी। और अब दोस्तों खाना, खाना के बाद केक कटिंग, और फिर थोड़ा बहुत डांस से सोना, फिर कल घर पे। तो दोस्तों दावत वगैरह स्टार्ट हो चुकी है, और छत पे ये सब लोग बैठे हैं, गर्मी बहुत थी तो मैंने शर्ट को उतार दिया है, और खाना पीना खिला दें दोस्तों। खाना वगैरह शुरू हो चुका है देखा, और सब कुछ तो खाना शुरू हो चुका है, आप लोग भी आ जाइए, उसके बाद केक कटिंग बने रहिए। Oh, my God.
ये स्टार्ट और ये स्टार्ट हमारा रुक जाइयो एक तो फोटो ले लियो बच्चे कह रहे हैप्पी बर्थडे अमर भाई अमर भाई और अमर भाई बहुत बढ़िया देखो संजीव भैया डरे जी डरे मैं देखो गोबर ले जा रही हूँ ये देखो राघव भैया सो रहे देखो तो देखी मारे